गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मिस सुबी फ्रॉम भीमजा मेमोरियल पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट, टेक आउट योर साइंस बुक, वेरी गुड, एंड ओपन पेज नंबर 14। सो स्टूडेंट, एज यू नो, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाफ ऑफ दिस चैप्टर इन अवर प्रीवियस क्लास। सो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 14, एंड अवर पैराग्राफ इज फर्स्ट एड। वी हैव लर्न अबाउट फर्स्ट एड इन द प्रीवियस क्लास। इट इज द immediate help given to an injured person before the doctor arrives. The main aim behind providing first aid to an injured, it is to avoid any complications that may arise and thus save his life. So student, first aid क्या होता है? जो doctor के आने से पहले किसी भी हम मरीज को जो जो उनकी treatment करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? First aid. Okay? आपने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा ही होगा कि फर्स्ट एड क्या होती है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? किसी भी मरीज को फर्स्ट एड हम क्यों देते हैं? ताकि जो उनकी कंडीशन है वो और बेकार ना हो जाए और उनकी लाइफ हम बचा सके। ओके स्टूडेंट, गिवन बिलो आर सम फर्स्ट एड टिप्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल हेल्पिंग एन इंजर्ड पर्सन। सो स्टूडेंट, नीचे हम कुछ फर्स्ट एड टिप्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें अपने ध्यान में रखते हुए जब भी हम किसी को फर्स्ट एड दें तो हम उस पर फोकस करें, उन टिप्स पे। ओके, फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट्स एंड बाउंस। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ट्रीटिंग अ कट। अपने हाथ साफ करने चाहिए। किसी भी मरीज को ट्रीटमेंट देने से पहले उनके घाव और उनके कट्स के एरिया को भी हमें क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए। क्लीन द एरिया विद एंड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंड एंटीसेप्टिक के साथ जिस भी एरिया पे वो इंजर्ड हुए हैं या फिर उन्हें चोट लगी है या घाव है उसे हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट? साफ कर देना चाहिए एंटीसेप्टिक से। फॉर अ माइनर कट पुट एन एडहेसिव बैंडेज। फॉर अ डीपर कट अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड देन प्लेस अ कॉटन स्वैब और अ गाज ऑन इट। Then tie a bandage or secure it with a surgical tape. So student, minor cut हो ये तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उस पर बैंडेज लगा देना चाहिए। बट डीपर कट हो मतलब चोट ज़्यादा लग गई है, काफ़ी खून बह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले वहाँ एरिया को क्लीन करके एंटीसेप्टिक लगाना है, देन कॉटन से उस एरिया को क्लीन करना है, एंड क्या करना है स्टूडेंट? सिक्योर तरीके से एक बैंडेज उस एरिया के आसपास हमें लगा देना है। ओके, नेक्स्ट इज इफ द पर्सन इज बैडली हर्ट मेक द पर्सन लाई डाउन विद द वुंडेड पार्ट स्लाइटली एलिवेटेड। रैप सम आइस क्यूब टॉवल एंड पुट इट ऑन द वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप्स अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड टाई अ बैंडेज। कॉल फॉर द डॉक्टर इमिडिएटली। सो स्टूडेंट, अगर किसी को बैडली हर्ट हुआ जाने उसको बहुत दैट मीन्स उसे बहुत बुरी तरीके से चोट लग गया तो उसे क्या करना है स्टूडेंट? आप पिक्चर में देख रहे हो, हमें उसे पहले लिटा देना चाहिए एंड आइस क्यूब बर्फ के टुकड़े लेके उस एरिया के आसपास हमें ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए लगाना ही चाहिए। ओके, देन एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के बाद हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को कॉल कर देनी चाहिए। फर्स्ट एड टिप्स फॉर बर्न्स। फर्स्ट एड टिप्स किन के लिए? जिनके जो जल जाते हैं। इन केस ऑफ माइनर बर्न वॉश द बर्न एरिया विद कोल्ड रनिंग वाटर। डिपिंग द बर्न इन कोल्ड वाटर और पुटिंग एन आइस पैक ऑन इट हेल्प्स रिलीव द इरिटेशन। सो स्टूडेंट, अगर आपका हाथ थोड़ा बहुत जल गया है दैट मीन्स तेल से या किसी भी चीज से, तो आप क्या करो, अपने हाथ को जहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो रनिंग वाटर में हाथ को डाल के आप उसको धो लो। ओके, एंड या तो फिर उसके ऊपर आप आइस पैक लगा लो, उससे क्या होगा जो आपकी जलन है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और कैलामाइन लोशन ऑन द बर्न एरिया, डोंट बैंडेज इट। सो स्टूडेंट, कभी भी अगर हमारा हाथ जल जाता है तो हमें उसे कभी भी बैंडेज वहां एरिया पे नहीं लगाना चाहिए, या तो एंटीसेप्टिक क्रीम या कैलामाइन क्रीम लगानी चाहिए। ओके, डू नॉट अप्लाई ऑन द बर्न एरिया as it may get infected. Do not try to burst or prick blisters. So student, जो हमारे छाले होते हैं उन्हें हमें कभी भी फोड़ने नहीं चाहिए, एंड जितना भी एरिया जल गया उस पर कभी भी हमें तेल या बटर कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा स्टूडेंट,
ये समय इन्फेक्शन हो सकता है. ओके, टेक मेडिकल हेल्प फॉर मेजर बर्न्स. अगर आपका हाथ ज्यादा जल गया है तो आपको क्या करना चाहिए स्टूडेंट? यस, डॉक्टर के पास या कोई मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए. फर्स्ट एड टिप्स फॉर इंसेक्ट बाइट्स. सो स्टूडेंट, जब हमें कीड़े मकौड़े काटने हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से फर्स्ट एड लेने चाहिए उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. फर्स्ट इज अप्लाई कैलामाइन लोशन ऑन द इफेक्टेड एरिया फॉर रिलीफ. सो स्टूडेंट, फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, पिक्चर में देख रही हूँ, हमें इफेक्टेड एरिया पे लोशन लगाना चाहिए. कौन सा लोशन? कैलामाइन लोशन. अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा विथ एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द इफेक्टेड एरिया इन केस ऑफ बी और वैस्प. हमें क्या करना चाहिए, एक बेकिंग सोडा का पेस्ट एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ इफेक्टेड एरिया पे हमें उसे लगाना चाहिए. जो उनका डंक होता है, जिस भी इंसेक्ट ने हमें काटा है, उससे क्या होगा स्टूडेंट, हमें रिलीफ मिलेगा. फर्स्ट एड टिप्स फॉर फेंटिंग. अगर कोई बेहोश हो जाता है, जहां आप पिक्चर में देख रहे हो, तो हमें कौन सी फर्स्ट एड देनी चाहिए? इफ ए पर्सन फेंट्स देन इमीडिएटली मेक हिम लाई डाउन विथ हिज हेड लोअर देन द बॉडी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन. डू नॉट क्राउड अराउंड हिम, अलाउ द इनफ्लो ऑफ फ्रेश एयर. सो स्टूडेंट, अगर कोई बेहोश हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमें पहले जमीन पे लिटा देना चाहिए एंड उसके आसपास हमें भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए. एंड जो फ्रेश एयर है उनको मरीज तक हमें आराम, भीड़ इकट्ठी होगी स्टूडेंट क्या होगा, जो फ्रेश एयर है वो जो मरीज उस तक नहीं पहुंचेगी. तो हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए ताकि जो फ्रेश एयर है मरीज तक इजिली पहुंच सके. कॉल द डॉक्टर इमिडिएटली एंड डॉक्टर को कॉल करना चाहिए. डू नॉट पैनिक एंड बी काम वाइल गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन. मेक द पेशेंट कम्फर्टेबल एंड देन कॉल द डॉक्टर. सो स्टूडेंट, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए. अगर हम किसी को फर्स्ट एड दे रहे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी जिम्मेदारी और सही से और सही तरीके से उसके जान बचाएं. ओके स्टूडेंट, एंड जब हम फर्स्ट एड दे रहे देन उसके बाद हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए. ओके सो स्टूडेंट, नाउ वट वी डू, वी विल डिस्कस एक्सरसाइज. फर्स्ट इज टेक द करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है एंड टेक द करेक्ट बुक में आपको फिल करना है, बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना. क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपको जो ब्लैंक्स है उन्हें फिल करना है, चैप्टर पढ़ना है. आपके चैप्टर के बीच से ये ब्लैंक्स दिए गए हैं. सो स्टूडेंट, अच्छे से चैप्टर पढ़ के इन्हें फिल करना है. ओके, इन क्वेश्चन नंबर सी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. सो स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ेंगे एंड खुद से ट्राई करेंगे आंसर्स ढूंढने के. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.